11 तारीख को लाल यादव का इस साल का पहला भक्ति गाना आता है और बड़े ही प्यारे गाने से खिसारी इस साल के नवरात्रि का आगाज किए थे लेकिन खिसारी की किस्मत इतनी खराब है कि आते ही गाने पर स्ट्राइक मारकर गाना यूट्यूब चैनल से डिलीट करवा दिया जाता है हालांकि गाना आते ही चर्चा होने लगा था कि गाना टिकने वाला तो नहीं है और वही हुआ खैर अब इस बार की चर्चा समाप्त भी नहीं हुई थी तभी खेसारी के दूसरे भक्ति गाने का नया पोस्टर रिलीज कर दिया जाता है यानी जिस दिन खिसारी लाल यादव का नवरात्रि का पहला देवी गीत आता है उसी दिन रात में गाने का गाने को स्ट्राइक मारकर डिलीट करवा दिया जाता है मतलब खिसारी का पहला देवी गीत कायदे से एक दिन भी नहीं टिक पाता है और गाने को स्ट्राइक मारकर हटवा दिया जाता है और उसी समय से सोशल मीडिया पर लगातार इस बात की चर्चा होने लगती है कि खिसारी का पहला देवी गीत डिलीट हो चुका है बाकी जैसे ही खिसारी लाल यादव के फैंस को ये बात पता चलती है कि खिसारी का पहला भक्ति गाना तो स्ट्राइक मार्टवाकर हटा दिया गया है तब से ही फैंस काफी उदास हो जाते हैं उनके चेहरे पर निराशा छा जाती है लेकिन इसी बीच खिसारी के चाहने वालों के चेहरे पर खुशी लाने वाली खबर सामने आती है और वो खबर ये रहती है कि खिसारी के दूसरे भक्ति गाने का पोस्टर रिलीज कर दिया गया है और जल्द ही खिसारी का दूसरा देवी गीत आने वाला है जिसको म्यूजिक डायरेक्टर आर शर्मा ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है बाकी आज की इस वीडियो में हम खिसारी के आने वाले दूसरे देवी गीत के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे की खिसारी का दूसरा भक्ति गीत गाना कब तक आने वाला है किसका लिखा हुआ है और किस म्यूजिक कंपनी से आएगा लेकिन उससे पहले नमस्कार मेरा नाम है डॉली पांडे मेरे साथ विशाल और आप देख रहे हैं जनता दीक्षक रात में खिसारी लाल यादव का पहला देवी गीत स्ट्राइक मरवाकर डिलीट कर दिया जाता है तब से ही खिसारी फैंस के बीच टेंशन का माहौल बना रहता है और अगले ही दिन सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा शुरू हो जाती है कि खिसारी का दूसरा देवी गीत का पोस्टर आउट हो चुका है हालांकि हमने खिसारी लाल यादव और उनकी टीम के लगभग सारे लोगों का सोशल मीडिया चेक किया तो वहां हमें ऐसा कोई पोस्टर नहीं दिखा लेकिन जब बहुत खोजबीन करने के बाद म्यूजिक डायरेक्टर आर एस शर्मा के सोशल मीडिया पर खिसारी के दूसरे भक्ति गाने का पोस्टर दिखा जिसको आर एस शर्मा ने शेयर किया है और शेयर करते हुए आर शर्मा ने लिखा है कमिंग सुन जिस पोस्टर को आप हमारे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं पोस्टर में किसारी हाथ जोड़े हुए अपने गाने में नजर आने वाली मॉडल के साथ खड़े हैं बाकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पोस्टर के बाएं साइड ऊपर में लिखा होगा किसारी म्यूजिक वर्ल्ड यानी ये गाना किसारी म्यूजिक वर्ल्ड कंपनी से आने वाला है गाने का टाइटल है जुरु जुरु लागेला और ये टाइटल देख लग रहा है कि ये गाना किसारी के डबल खिड़की गाने से मिलता जुलता गाना होने वाला है बाकी आपको बता दें कि किसारी का जो दूसरा भक्ति गीत आने वाला है उस गीत को लिखा है कृष्णा भेदर्दी ने जो कि खिसारी के लिए एक से बढ़कर एक गाना लिखे हैं और इस गाने का म्यूजिक दिया आर शर्मा ने इसीलिए इस गाने के पोस्टर को सब सबसे पहले आर शर्मा ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा कमिंग सोन बाकी इस गाने के डायरेक्टर पवन पाल है और इस पोस्टर के नीचे आप देखेंगे तो आपको डिजिटल पार्टनर ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कंपनी का नाम दिखेगा। यानी की लाल यादव का दूसरा भक्ति गीत जो आने वाला है

बाकी खिसारी के राइटर अखिलेश कश्यप ने हाल ही में एक निजी इंटरव्यू दिया है जिसमें अखिलेश कश्यप ने बहुत खुलकर ही बताया है कि एक गाना खिसारी का भले ही जेम्स ट्वेंट भोजपुरी कंपनी से आएगा मतलब आया लेकिन अब खिसारी के जितने भी भक्ति गाने आएंगे वो सारे के सारे के सारे म्यूजिक वर्ल्ड से ही आएंगे यहाँ तक कि खिसारी के बेहद करीबी राइटर अखिलेश कश्यप का जो म्यूजिक कंपनी है जिसका नाम अन्नपूर्णा फिल्म है जिसे अक्सर खिसारी का गाना आता था अब इस कंपनी से भी किसारी का एक भी गाना नहीं आएगा मतलब नवरात्रि का गाना नहीं आएगा और ना ही का कोई भी भक्ति गाना ब्लू बिल्ड कंपनी से आ सकता है अगर आना भी होगा तो इन दोनों से किसारे का कोई छठ का गाना आ सकता है लेकिन भक्ति गाने का तो कोई चांस ही नहीं है और पहले भक्ति गाने की तरह दूसरे भक्ति गाने को डिलीट नहीं करवाया जाएगा क्योंकि इस गाने पर कोई स्ट्राइक नहीं आने वाला है और स्ट्राइक इसलिए नहीं आएगा क्योंकि खिसारी म्यूजिक वर्ल्ड कंपनी का पार्टनर ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन है बाकी खिसारी के दूसरे गाने के पोस्टर में रिलीज डेट नहीं लिखा गया है तो इससे ये नहीं पता चल पाया है कि दूसरा गाना कब तक रिलीज होने वाला है लेकिन सोशल मीडिया पर अनुमान लगाया जा रहा है कि एक से दो दिन के अंदर ये गाना भी कि सारे म्यूजिक वर्ल्ड कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया जाएगा बाकी आपको ये नई जानकारी कैसे लगी अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं मिलते हैं नए वीडियो में धन्यवाद